अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनिया, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉक एंड टॉक विद सोनिया ओनली ऑन TV99। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स बहुत पसंद आए होंगे, इसलिए आज एक नई जगह पर नए लोगों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नए सवालों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मैं लाहौर की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे मौजूद हूँ। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि मैं बोटैनिकल गार्डन में मौजूद हूँ, इसको बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए हैं, तो हम ढेर सारे लोगों के साथ वॉक करते करते ढेर सारी टॉक करेंगे। तो चलें नाज़रीन, मैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर जा रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान। ओके, आपका? कासिम। अली इमरान। मोहम्मद इमरान। राना सुफेद। चले, आपका मुझे ये बताएं, कॉमन सेंस जो आपका कितने परसेंट एक्टिवेस्ट है? आपका कॉमन सेंस जो है वो इस टाइम कितने परसेंट एक्टिव है? पार्क का तो कॉमन सेंस नहीं है ना। अच्छा, अपने हस्बैंड की मैं आपसे सवाल करूंगी बस, कि अपने हस्बैंड की कोई अच्छी आदत और बुरी आदत बताएं। अच्छी आदत ये है कि ख्याल रखती है मेरा। अभी आने से पहले भी कह रहे थे मेरे अकेले नहीं जाना, मेरे साथ चल। और बुरी बात, जब घर से बाहर जाते बता के नहीं जाते मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप इनकी कोई अच्छी आदत और कोई बुरी आदत बताएं। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, और बुरी आदत ये है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ इसी के ख़िलाफ़ तो मैं बता के नहीं जाता, तो इसी बात पे ये एंग्री हो जाती है मुझसे कि मैं आप बताएं नहीं। कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें कि नहीं भी बता के जाना पड़ता, अचानक कहीं फ़ोन आ जाए दोस्त वगैरह को मिलने, तो अब ये थोड़ी है कि बंदा कहीं भी जाना हो तो बीवी को बता के जाए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो कौन सी ऐसी दाल है अगर जिसको उल्टा करके लिखें तो किसी मुल्क का नाम बनता है? शाम माश। शाम माश, शाम मुल्क का नाम माश की दाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली इमरान। अली इमरान, अली इमरान कैसा रहा आज का दिन, कैसे इंजॉय किया? बहुत अच्छा, हमने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, कॉमन सेंस है आप में? यस। कितनी है? बहुत ज़्यादा। चलो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, फिर पता चलेगा कितनी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा चलो मुझे बताओ, वो कौन सी जगह है, ठीक है, वो कौन सी जगह है, जंगल है जहाँ पे दरख्त नहीं, आबादी है, लोग नहीं, दरिया है पर पानी नहीं? अंदर दरख्त नहीं है पर जंगल। दांत तो है ना, जुबान तो है ना, लेकिन ये तो आबादी है लेकिन दरख्त नहीं है। नहीं आबादी, ये दांतों की आबादी पहाड़ी है। नहीं नहीं, पहाड़ नहीं है, सोचे ना, वहाँ पे आबादी, लोग कोई भी नहीं है। फोटो तस्वीर, तो उसमें सब कुछ इकट्ठा तो नहीं हो सकता ना? लेकिन एक लॉजिक नहीं बनता इसमें, आप कह रहे हो दरख्त नहीं पर जंगल है, तो सेल फोन की गलती थी उसमें, हर चीज़ होती है, लेकिन दरख्त है लेकिन जंगल नहीं है, दरिया है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आई थिंक यही है। नहीं, नक्शा हो सकता है क्योंकि सबने अपनी कॉमन सेंस बता दी है, और इस हिसाब से जैसे मेरे दिमाग में आया सर की क्वेश्चन सुन के, तो नक्शा ही हो सकता है। नक्शा ही हो सकता है? यस। श्योर है? श्योर। कितने परसेंट? 100% श्योर है। ठीक है, तालियां बजाएं अपने लिए और आप सब भी तालियां बजाएं। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं बटरफ्लाई हाउस के लैब में मौजूद हूँ, जहाँ पे बटरफ्लाई के डिफरेंट प्रोसेस से उसको निकाला जाता है। तो मेरे साथ इस टाइम सदफ़ मौजूद हैं, जो कि बटरफ्लाई लैब की जो है टेक ओवर है या इसको रन ओवर कर रही हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे बताएं कि बोटैनिकल गार्डन का मतलब, हमने इसका नाम बोटैनिकल गार्डन क्यों है,
पार्क तो और भी बहुत ज़्यादा है, लाहौर तो वैसे ही पार्कों का शहर है, तो यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन इस पार्क का नाम क्यों रखा गया? इस पार्क के बनाने का मकसद ये था कि जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा वसी पैमाने पर बॉटनी के मतलब जो प्लांट्स थे मौजूद नहीं थे पूरे पंजाब का, आप कह लें लाहौर के अंदर भी कह सकते हैं, पंजाब के अंदर ही कह सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली ये हमने बॉटनी के स्टूडेंट के लिए बोटैनिकल गार्डन बनाया है। इसमें हमने बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कंट्रीज के प्लांट्स इधर हमने लगाए हैं ताकि वो आके उनको रिसर्च कर सकें। अच्छा, और उसके साथ साथ ही हमने ये बटरफ्लाई हाउस बच्चों की तफरी के लिए, लोगों की तफरी के लिए छोटा सा बीच में एक बटरफ्लाई हाउस भी बनाया है बोटैनिकल गार्डन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली, अहमद अली क्या कर रहे हो बोटैनिकल गार्डन? कुछ नहीं, वैसे आज मतलब इंजॉयमेंट करने आए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ? जी जी। तो कहाँ हैं फ्रेंड्स सारे? सारे यही है, मतलब वो बैठे हुए तकरीबन 3-4 फ्रेंड्स हैं, हम जब फ्री टाइम होता तो इधर ही घूमने फिरने आ जाते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा टोपी ये टेढ़ी क्यों पहनी हुई है? बस मेरा अपना स्टाइल है, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। ये वैसे ठीक है। चलो, क्या सुनाओगे? सिंगिंग कर सकता हूँ। हाँ जी, गाया। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां आकाश है, कभी उड़ने तो आओ जरा, खामोशियां एहसास है, तुम्हें महसूस होता है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए। हाँ खुद ही, वैसे खामोशियाँ तुम्हारी जो है ना काफ़ी शोर डाल रही थी, बड़ा चीख के तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, शाबाश, वेरी गुड, की गुड। क्या नाम है आपका? नाजिस। नाजिस क्या कर रही हैं आप? कैसा रहा आजकल? फैमिली के साथ? ठीक है, तो नाजिस कैसा रहा फिर आजकल इन पार्क में? मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी बच्चों को लेके। अच्छा, हाल ही में टीचर से आती हुई है। अच्छा, तो वैसे आप कहाँ से हैं? मैं ननकाना साहिब से। अच्छा, ननकाना साहिब से आए। कैसा लगा आपको लाहौर? बहुत अच्छा लगा। बोटैनिकल पार्क कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। ज़बरदस्त है। अच्छा चलो नाजिश, मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे बताओ आपकी कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो आपसे ज़्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? चीज़ वो आपकी है पर लोग इस्तेमाल करते हैं वो। कितने परसेंट? 100%। तुम मुझे कुछ भी सुना दो। मैं तो कुछ भी सुना, ये लो माइक पकड़ो और सुना दो जल्दी जल्दी। नाच सुना दूं, गाना सुना दूं, क्या सुना दूं? जो मर्जी सुना, जो दिल करे। हाँ, ये सुना दो। अजान हो रही है, पकड़ लो ये माइक, सुनाओ। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज हमने वॉक करते करते लोगों से ढेर सारी टॉक की, इसके अलावा बोटैनिकल गार्डन का आपको विज़िट करवाया, बटरफ्लाई हाउस दिखाया, मैंने खुद भी किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपनी दोस्त अपनी होस्ट सोनिया को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान। अगले एपिसोड में नए लोगों में नए जगह पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
स्टूडियो 99 प्रोडक्शन हाउस।